भारत में इलेक्ट्रिसिटी का इतिहास। भारत में पहली बार बिजली की सुविधा कलकत्ता को मिली थी। पहले कोलकाता को कलकत्ता कहा जाता था। इस शहर को पहली बार साल 1879 में बिजली की व्यवस्था की गई और इसके अलावा एशिया में पहली इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट 5 अगस्त 1905 को बेंगलोर में जलाई गई थी। आगे इस वीडियो में हम जानेंगे भारत में बिजली कानूनों का इतिहास और भी बहुत कुछ। ये वीडियो काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको भारत में बिजली का इतिहास आपको अच्छे से पता चल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को फॉरवर्ड करते हैं। तो दोस्तों भारत में बिजली बनाने का कारखाना 1899 में कलकत्ता में लगाया गया था। पहली निजी कारखाना था और कंपनी का नाम कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन था। और दोस्तों डीजल से पहली बार बिजली का उत्पादन सन 1905 में दिल्ली में शुरू हुआ, जबकि इससे पहले मैसूर में 1902 में जल विद्युत उत्पादन केंद्र बनाया गया। नेक्स्ट, भारत में बिजली कानून का हिस्टोरी। बढ़ते बिजली क्षेत्र के रेगुलेट करने के लिए सबसे पहले 1910 में इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट लागू किया गया। इसके बाद 16 साल के बाद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1926 में लागू किया गया। आजादी के टाइम तक देश में 60% बिजली उत्पादन का काम निजी कंपनियों के हाथों में था। उस टाइम देश में 1362 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था और डिमांड कम होने के बावजूद देश में बिजली कटौती बढ़ती जा रही थी। आजादी के बाद सबसे पहले 1948 में बिजली क्षेत्र को ठीक करने के लिए एक कानून बनाने का प्रस्ताव आया। उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री थे और एक्ट बनाने में उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948 में पूरे देश में बिजली से जुड़ी यूनिट्स को समाहित करने के लिए सबसे पहले ग्रिड सिस्टम लागू करने की बात कही गई। साथ ही निजी लाइसेंसी एजेंसी को खत्म कर राज्यों से कहा गया कि वे अपने अपने राज्य में बिजली बोर्ड का गठन करें, जबकि केंद्र में संचालित करने के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण का गठन किया गया जो सभी स्टेट बोर्ड को मॉनिटर कर सकते। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका प्यार और सपोर्ट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।